सो हे एवरीवन, दिस इज सुशांत ठाकुर एंड आज की वीडियो में बात करेंगे क्यूसैट के बारे में। जी हाँ, कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इस कॉलेज के बारे में यार मैं आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये कॉलेज मिला था। और इनफैक्ट मैंने अपने टाइम में जितने भी एग्जाम दिए थे, जैसे मैंने जेई मेंस का एग्जाम दिया था, जेई एडवांस का एग्जाम दिया था, मैंने वीआईटी का एग्जाम दिया था, डब्ल्यूबीजेई का एग्जाम दिया था, क्यूसैट का एग्जाम दिया था, इन सारे एग्जाम्स में मेरे जो बेस्ट रैंक आई थी वो इसी एग्जाम में आई थी। ठीक है, अंडर 200 रैंक आई थी मेरी यार। तो मैंने इनके जितने भी इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस थे मैंने पूरे में पार्टिसिपेट करा था। मैंने 48,000 रुपये पे भी करे थे, फिर उस पैसे को वापस भी लिया था, एडमिशन कैंसिल भी करवाया था। तो हमने सारा कुछ कर लिया था। ठीक है, तो मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स करे थे और आपको नहीं करने हैं। तो इस कॉलेज की यार प्लेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज लाइफ कैसा है, हॉस्टल फी कितना लगेगा आपको, आपको कितना एक्सपोजर मिलेगा कॉलेज में, अपॉर्चुनिटीज़ कितने मिलेंगे, राइट, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए इसको वन बाय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोकेशन देखें तो देखो साउथ कालामेश्री एर्नाकुलम में है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कॉलेज इन्फो, राइट। तो कॉलेज इन्फो में अगर हम सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1979 में बनी थी यार, और एक्चुअली ये यूनिवर्सिटी 1971 में ही बन गई थी, बट इंजीनियरिंग कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 1979 में। ठीक है, उसके बाद NIRF रैंकिंग अगर देखें तो NIRF ने 2020 में इसकी रैंकिंग 116th दी है। ठीक है, एंड अगर हम ब्रिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखें तो वो 251 से 300 है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग दी गई है। बट यहाँ पे मैं, जैसे मैं हर वीडियोस में बताता हूँ यार, कि NIRF की रैंकिंग को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि NIRF में क्या है यार, वो प्लेसमेंट को छोड़ के बाकी सारा फैक्टर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैंपस में साफ सफाई कैसे हैं, पेड़ पौधे कितने लगा रखे हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैंपस साइज। कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो 180 एकर्स की कैंपस है। इसमें भी है यार कि बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत कम है। ठीक है, ज़्यादातर खाली खाली स्पेस ही है कैंपस में। और नेक्स्ट है हमारा रैगिंग फ्री कैंपस। रैगिंग फ्री, देखो यार, रैगिंग आज के डेट में ऑलमोस्ट किसी कॉलेज में नहीं होती है, लेकिन अगर आपका इनकेस रैगिंग हो रही है, ठीक है, तो इस कॉलेज में यार एंटी रैगिंग सेल है, जो कि अक्सर हर कॉलेज में होती है, आप वहाँ पर कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अटेंडेंस रूल है यार, ठीक है, 75% अटेंडेंस आपका मैंडेटरी है। यूनिवर्सिटी के यार तीन कैंपस है, मेन आपका थ्रिकाकारा कैंपस है, सेकंड आपका लेक साइड है, थर्ड ये कैंपस है। ठीक है, मेन कैंपस में क्या क्या है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है आपका, स्कूल ऑफ मरीन इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट स्टडीज़ है, लीगल स्टडीज़ है। ठीक है, और जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है ये सबसे अच्छा है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, अगर आपको मरीन इंजीनियरिंग लेना है, ठीक है, उसके लिए आपकी सेपरेट रैंक आती है मरीन इंजीनियरिंग की। ठीक है, सेम एग्ज़ाम होता है, क्यूसेट कैट का ही एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसकी रैंक अलग से आती है। वो सारा कुछ आगे हम डिस्कस करेंगे कि आपकी एडमिशन प्रोसीजर कैसे हैं, आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सेकेंड है हम लोग का कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है आपका वो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। तो इससे आप समझ सकते हो कि लोकेशन अच्छी है। और रेलवे स्टेशन से अगर आप जा रहे हो तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर आप एर्नाकुलम जंक्शन पे उतरते हो, ठीक है, तो वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी है, आप वहाँ से कैब ले सकते हो या फिर मेट्रो ले सकते हो। और मेट्रो में अगर ले रहे हो आप तो आप देखोगे कि क्यूसेट की जो मेन गेट है, ठीक है, उसी के जस्ट 100 मीटर डिस्टेंस पे ही आपका मेट्रो स्टेशन है। ठीक है, तो आपको बहुत इजी होगा और आप कैब भी ले सकते हो। अगर आप एलुवा रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो आपको वहाँ से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है, आप यहाँ से कैब ले सकते हो या फिर ऑटो बस कुछ भी मिल सकती है, बट प्रेफर करना कि कैब ले लेना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट यार देखो, इसका एग्जैक्ट डेटा उन्होंने दिया नहीं था ऑफिशियली, तो मैंने यहाँ उनके वहाँ के कुछ बच्चों से पूछा या फिर मैंने कोड़ा पे कुछ रिव्यूज़ देखे, तो उससे मैंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला उसी को मैंने यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं। तो प्लेसमेंट यार आपका एवरेज है। ठीक है, मोस्टली कोर कंपनीज विजिट करती है, आपके जितने भी टेक कंपनीज हो गई, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती है, जैसे कि आपका गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उन कंपनीज़ को आप यहाँ पे नहीं पाओगे। ठीक है, यू वॉन्ट फाइंड देम हियर। आफ्टर देन अप्रॉक्स 60-70% स्टूडेंट्स गॉट प्लेस्ड, राइट। एंड जब मैंने एडमिशन लेना था मुझे, उस टाइम पे यार CSE एंड सेफ्टी एंड फायर टेक्नोलॉजी, इन दोनों ब्रांच की अप्रॉक्स 100% प्लेसमेंट हो जाती थी। ठीक है, वैसे एवरेज पैकेज कम होता था, 4-5 लाख ही होता था, बट 100% बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती थी। उसके अगर हम एवरेज सैलरी देखें तो 3-4 लाख जाता है, और हाईएस्ट सैलरी जो है आपको वो 29 लाख है, जो कि सिस्को ने दिया था। बट देखो यहाँ पे भी हर बच्चे को ये नहीं मिलता है, तो हाईएस्ट पैकेज देख के हमें जज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इंटर्नशिप, अगर आप इंटर्नशिप लेना चाहते हो तो देखो यार, ये आपका
पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट मार रहे हो, ठीक है, कितना हाथ पैर मार रहे हो इंटर्नशिप के लिए। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छी इंटर्नशिप मिलेगी। और यहाँ पे यार कॉलेज में खास बात ये भी है कि कॉलेज आपको मदद करती है, ठीक है, इंटर्नशिप लेने के लिए। अगर आपकी CGPA जो है हाईएस्ट आती है, ठीक है, तो कॉलेज आपको सेलेक्ट करती है एक बच्चे को हर ब्रांच से, हर बैच से, और उन्हें इंटर्नशिप के लिए जापान भेजती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिल सकता है। तो अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी इंटर्नशिप अच्छी हासिल लग जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो TCS एंड इन्फोसिस, ये आपके मास रिक्रूटर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम ऑफ द रेगुलर रिक्रूटर्स आर TCS, विप्रो, सिस्को, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मास रिक्रूटर्स का क्या मतलब, जैसे देखो 300 बच्चे की अगर प्लेसमेंट हो रही है कॉलेज से, तो उसमें से 110-120 को यही उठा के ले जाएंगे, राइट, TCS हो गया, ये सब हो गया, ये उठा के ले जाएंगे। उसके बाद अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इंस्टीट्यूट फी में अगर आप देखो तो कॉशन मनी जो होता है वो वन टाइम मनी होता है जो कि रिफंडेबल होता है, वो आप देख सकते हो हर कॉलेज में हमने ऐसे ही बताया है। तो वो मनी है आपको 1220, ठीक है। ट्यूशन फी आपका पर सेमेस्टर कितना लग रहा है, 39,510। ये किसके लिए है, अदर स्टेट के बच्चों के लिए, बट जो बच्चे केरला के हैं, स्टेट मेरिट कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 21,275 लगता है, ठीक है। इस हिसाब से टोटल कितना हो गया आपका, 44,095 बाहर के बच्चों के लिए, ठीक है। वही हमने यहाँ पे नोट पे बताया है कि फी मेंशन्ड इन पैरेंथेसिस इज फॉर स्टेट मेरिट कैंडिडेट, राइट, ये हो गया। उसके बाद तो देख लो यार, फी ज़्यादा नहीं है, फी कम ही है। अब चार साल में लगभग कितना हो जाएगा, 2 लाख 2.25 लाख में आपकी बीटेक हो जाएगी, नहीं नहीं सेमेस्टर वाइज है ना, अब जोड़ लेना इसको कितना लग रहा है। हॉस्टल फी की अगर हम बात करें तो कॉशन डिपॉजिट जो हो गया जो कि वन टाइम होगा वो 500 होता है, एडमिशन फी आपको 100 लगता है, और अदर फी क्या है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, या फिर और भी जो खर्च होते हैं हॉस्टल के, तो उन सबको मिला के आपका 100 रुपया ही पड़ रहा है। तो अगर हम टोटल को ऐड भी कर देना तो 600-700 के अप्रॉक्स ही जा रहा है, राइट, जो कि काफ़ी कम है यार। तो बट यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि हॉस्टल यार सारे बच्चों को नहीं मिलती है, ठीक है, मेनली आपके अदर स्टेट वालों को तो नहीं मिलती है, और आप अगर वहाँ केरला के हो तो आपको हॉस्टल मिलती है, वो भी बहुत रेयरली, ठीक है, बहुत मुश्किल से हॉस्टल मिलती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे हॉस्टल सेक्शन में। तो फी वेवर से अगर देखिए, केरला के OEC बच्चे जो होंगे, केरला के SC ST इन कैंडिडेट्स को क्या होता है, तो उन्हें नीड टू पे ओनली द कॉशन डिपॉजिट, PTA फी एंड को करिकुलर फी, राइट, एंड 50% ट्यूशन फी वेवर फॉर डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स, ठीक है, DSE और फिजिकली चैलेंज जो बच्चे होंगे उनको 50% ट्यूशन फी में छूट मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं। हाँ यार, स्कॉलरशिप मिलती है और बहुत सारे टाइप की स्कॉलरशिप है कॉलेज में, तो वो हम देखते हैं वन बाय वन। तो क्या बोल रहा है, यस, इन बोथ कैंपसेस कोचीन यूनिवर्सिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है आपका वो प्रोवाइड करती है स्कॉलरशिप बच्चों को बेस्ड ऑन उनके इनकम पे, उनके मार्क्स के बेसिस पे, और परफॉर्मेंस इन देयर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर मान लो आपकी फैमिली इनकम कम है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, ये हो गया। तो क्या मिलती है उसमें, तो दे प्रोवाइड 10K फॉर रैंक ओपनर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड 50% स्कॉलरशिप फॉर टॉप 10% स्टूडेंट बेस्ड ऑन कैट रैंक। इनका जो एग्जाम होता है क्यूसेट कैट का, उसमें जो टॉप 10% के बच्चे होते हैं उन्हें यार 50% स्कॉलरशिप देते हैं यार, ये ठीक है। दूसरा आपका जो स्कॉलरशिप है वो क्या है आपका, सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये क्या है, ये आपका 10,000 प्लस बच्चों को स्कॉलरशिप देती है, इंक्लूडिंग ग्रेजुएट एंड PG कोर्सेज, ठीक है। अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका रूसा 2.0 क्यूसेट टेक फाउंडेशन स्कॉलरशिप फॉर समर इंटर्नशिप। देखो रूसा क्या होता है कि अगर मान लो आप किसी इंटर्नशिप में जाना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप कोई रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व हो उस केस में आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, और ये रूसा यार बहुत सारे कॉलेज में होता है, मेरे कॉलेज में भी है। तो अगर आप रिसर्च वर्क करते हो तो आपको इसमें पैसे मिलते हैं आपको स्कॉलरशिप के तौर पे। अगर हम 6th ऑप्शन देखें तो क्या है आपको, हॉस्टल में क्या है, टोटल आपके 11 हॉस्टल है यार, और टोटल जो इनका इंटेक है वो आपका 1300 बच्चों का इंटेक है, ठीक है, जिसमें कि 600 बच्चे कौन हो, मेल होंगे, एंड 700 फीमेल बच्चे होंगे, ठीक है। यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर हॉस्टल एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ये इनका वेबसाइट है ऑफिशियल, तो इस पे आप अप्लाई कर सकते हो हॉस्टल के लिए। बट आपका ये यहाँ पे एक मैं ऐड करना चाहूँगा कि हॉस्टल सारे बच्चों को नहीं मिलती है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो या तो आपके आउटसाइड कैंपस में PG में रहते हैं,
या फिर प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं या फिर रेंटेड हाउस में रहते हैं, ठीक है। और हम भी जब गए थे तो हम दोस्त के घर पे रुके थे और उन्होंने भी अपना एक फ्लैट ले रखा था। और एक चीज़ वहाँ पे देखोगे आप, सस्ते में आपको बहुत शानदार फ्लैट मिलती है, ठीक है। उन्होंने यार 10,000 में जो फ्लैट लिया था, वो 10,000 में, वो शायद 3 BHK ना 4 BHK था, बहुत शानदार फ्लैट था, बहुत शानदार, ठीक है। तो आपको PG अच्छी खासी मिलती है वहाँ पे और सस्ते में मिलती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू मान लो कैलकटा, दिल्ली, ये सब के। उसके बाद देयर हॉस्टल्स आर नेम्ड एज, हाँ हॉस्टल का डिफरेंट नाम है, ये है आपका सरोवर हॉस्टल हो गया, ठीक है, बहुत सारे नाम से। तो इसमें एक चीज़ है कि आप लग्जरियस फैसिलिटीज वहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ ओके टाइप फैसिलिटी आप रह लोगे हॉस्टल में। और आपके ऑब्वियस सी बात है कि पैसा कितना ले रहे वो भी तो देखो, ठीक है, उस हिसाब से आप लग्जरी नहीं ढूंढ सकते वहाँ पे। और हॉस्टल लाइफ यार किसी भी कॉलेज की बहुत बेस्ट होती है, बहुत बेस्ट बेस्ट मेमोरीज आपको मिलते हैं हॉस्टल में, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर मिल रहा है हॉस्टल तो डेफिनेटली जाओ, बहुत मज़ेदार होता है वो लाइफ टाइम, वो लाइफ आपको फिर दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। और मेनली ये कॉलेज के जो 4-5 साल होते हैं, 4 साल, वो लाइफ आप, वो प्राइसलेस होता है, ठीक है, कभी नहीं मिलेगा, उसको जी लो अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा, हॉस्टल फी जो है आपको वो 300 पर मंथ है फॉर अलॉटेड स्टूडेंट, जिनको अलॉट हुआ है हॉस्टल उनके लिए कितना है 300 पर मंथ हो गया। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लो जैसे मैं, मुझे हॉस्टल मिल गया, लेट सपोज, और मैं किसी दोस्त को ले आया हूँ अपने वहाँ पे रहने के लिए, तो वो क्या होगा, गेस्ट स्टूडेंट कहलाएगा, तो उनको जो हॉस्टल फी देना पड़ेगा वो 400 पर मंथ होगा। और ये यार मेरे कॉलेज में भी ये चीज़ है कि आप गेस्ट के तौर पे आप रह सकते हो। उसमें क्या होता है कि आपको मेस का खाना का खर्च देना पड़ेगा और थोड़े से आपके हॉस्टल फी ज़्यादा लगते हैं। ये यार इनका एक बिल्डिंग ब्लॉक है हॉस्टल का, ऐसे ही सारे बिल्डिंग ब्लॉक है, तो मैंने एक इमेज दिया ताकि आप समझ सकते हो कि किस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर इनके हॉस्टल ब्लॉक के हैं, ठीक है। उसके बाद रेस्ट्रिक्शन फ्री हॉस्टल, यार कोई भी आपका यहाँ पे, जैसे VIT में हमने क्या बोला था कि बहुत कर्फ्यू टाइमिंग है यार, 6-7 बजे से पहले आपको इंटर कर जाना है, आप अगर वीक डेज में जाते हो तो 9 बजे से पहले घुस जाना है, ठीक है। तो ये ऐसे, तो ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, रेस्ट्रिक्शन फ्री हॉस्टल है, लेकिन वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, ठीक है। वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी आपको हॉस्टल में, ठीक है। मिस जो होता है वो कमेटी ऑफ स्टूडेंट के द्वारा रन किया जाता है, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो आप कि मेन्यू क्या होगा, किस टाइप के खाने आपको पसंद है, राइट। और उसके बाद है कि हाँ, अगर मान लो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे मान लो कि मेरे कॉलेज में ही क्या होता है कि बहुत सारे PG के भैया लोग होते हैं, उनका कोर्स कंप्लीट हो जाता है फिर भी वो हॉस्टल में स्टे करते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको 7 दिन के अंदर खाली करना पड़ता है हॉस्टल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सोसाइटीज एंड क्लब, बहुत सारे क्लब्स हैं यहाँ पे, जैसे सबसे बेस्ट, बहुत सारे क्लब्स हैं बट सबसे बेस्ट जो है आपका वो NSS है। तो NSS क्या है आपका, नेशनल सर्विस स्कीम। ये क्या करता है, इसको हम बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि सारे स्टूडेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, ज्वाइंटली काम करते हैं, ठीक है, फॉर ए सोशल कॉज, और वो एक चेंज पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। मान लो कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप बोल सकते हो, किसी सोशल कॉज में आप टुगेदर वर्क कर सकते हो, तो वो आपका ये है। उसके बाद आपका एक है ACS, ये क्या है, तो ये आपका टेक क्लब है जो कि मोस्ट एक्टिव क्लब माना जाता है क्या इस कैंपस में, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये मेनली कंसिस्ट होता है आपका CS एंड IT के बच्चों के लिए, और इसको ऑर्गेनाइज जो करवाते हैं वो होता है आपका CS डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज करवाते हैं इस फेस्ट को, सॉरी इस क्लब को, राइट। उसके बाद आपका एक ये क्लब है ECS, दिस इज स्टूडेंट एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, और ये भी एक टाइप का एक्टिव क्लब है, तो इसमें भी आप जा सकते हो। उसके बाद आपका ये है, ये क्या है आपका इनोवा देन, इट इज को वर्किंग स्पेस फॉर एवरी पीपल इन कैंपस हु इज इंटरेस्टेड इन टेक्निकल स्टफ, ठीक है। अगर आप मान लो कि स्टार्टअप में आपका इंटरेस्ट है या फिर कोई भी टेक्निकल स्टफ में आपका इंटरेस्ट है तो आप इस क्लब में जा सकते हो। और बहुत सारे स्टार्टअप यहाँ से निकले भी हैं, जैसे आप ये स्टार्टअप देख रहे हो, ये केरला का स्टार्टअप है, विच इज ए IoT बेस्ड टॉयलेट सिस्टम इस स्टार्टअप का है, ठीक है, ये सब देख सकते हो। एक आपका ये क्लब है, तो जब आप वहाँ पे जाओगे एक्सप्लोर करना, ठीक है, फिर आपको जो सुइटेबल लगे आपके अकॉर्डिंग उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्पोर्ट फैसिलिटीज स्पोर्ट फैसिलिटीज में आपका क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस, ये सारे आपको फैसिलिटीज मिलते हैं। और वेरियस बहुत सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं कैंपस में, ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये एक अच्छा आपको वाइब मिलेगा, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है आपका वो इस कैंपस में बहुत सारे इवेंट करवाती है, कंडक्ट करवाती है, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस को पार्टिसिपेट करवाती है डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ स्टेट को, राइट। फैकल्टीज की अगर हम बात करें तो हाँ यार फैकल्टीज ओके ओके अच्छे हैं, और अपार्ट फ्रॉम इन हाउस फैकल्टी आपके जो विजिटिंग फैकल्टी होते हैं वो बहुत अच्छे वो भी होते हैं, ठीक है। रिनॉन विजिटिंग फैकल्टी को ये बुलाते हैं तो आपको एजुकेशन अच्छा मिलता है इस कॉलेज में, ठीक है। और बाकी हम देखें तो कैंटीन अगर देखो तो कैंटीन में क्या है, द कैंपस कैफे इज ओपन। इसका जो टाइमिंग है वो आपका 8 AM से 8 PM तक खुला रहता है। उसके बाद है कि आपको साउथ इंडियन नॉर्थ, हाँ ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों का कि भैया वो साउथ इंडिया है तो क्या नॉर्थ इंडियन खाने को हम लोग मतलब कैसे मिलेगा नहीं होगा। तो देखो यार वहाँ पे नॉर्थ इंडियन रेस्टोरेंट भी होते हैं, आपके कैंपस का जो कैफ़े है उसमें भी आपको नॉर्थ इंडियन खाना मिलता है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। आपको जिस टाइप के फूड चाहिए आपको सब मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ इंडियन बहुत अच्छे, हम लोग जब गए थे तो एक भैया थे दरभंगा के, उनका एक दुकान था, ठीक है, फूड कोर्ट था, तो वो इतना टेस्टी खाना बनाते थे यार पूछो मत, बहुत सही था। तो खाना पीना भाई बहुत सही बनेगा आपका, ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद है आपका ड्यूरिंग लंच टाइम, हाँ लंच टाइम पे क्या होता है कि मील्स के जो प्राइस होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, ठीक है, मतलब ठीक ठाक रेट पे आपको मिलेंगे बाकी टाइम के कंपटीशन में, ठीक है। तो ये आप एक चीज़ देख सकते हो, लंच टाइम में आपका मील्स सस्ता होता है। और कैंपस कैफे कब से कब तक खुला रहेगा, तो 8 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि अगर मान लो आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के आसपास घूमने वाली जगह, अगर मान लो आपको शॉपिंग के लिए जाना है वो सब क्या हो सकता है, तो पास में ही यार लुलू मॉल है जो कि बहुत बड़ी मॉल है यार, ठीक है। एक टाइम पे ये एशिया की सबसे बड़ी मॉल थी, बट 2016 ना 17 में दिल्ली में एक बन गई, तो उसके बाद ये पीछे हो गई इसकी रैंकिंग, ठीक है। बट एक टाइम इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट मॉल थी ये लुलू मॉल, तो बहुत बड़ी मॉल है यार, बहुत कुछ आप इसमें शॉपिंग कर सकते हो, बहुत कुछ देख सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी मॉल थी ये। उसके बाद आप कहाँ घूम सकते हो, केरला म्यूजियम है पास में ही, उसके बाद आप एडापल्ली चर्च कॉम्प्लेक्स देख सकते हो, मरीन ड्राइव के लिए जा सकते हो, हम लोग गए थे, फोर्ट कोची बीच आप जा सकते हो, यहाँ हम नहीं जा पाए थे क्योंकि शाम हो गई थी और वहाँ पे रूल क्या है कि 7 बजे के बाद आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है, तो इस कारण से हम जा नहीं पाए थे क्योंकि हम लोग का 4-5 बज गया था मरीन ड्राइव में, ठीक है, तो इस कारण से नहीं गया। और भी बहुत सारे जगह है देखने के लिए, तो जो जब आप जाओगे आप खुद एक्सप्लोर कर लोगे, ठीक है, उसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट है हमारा नोटेबल एलुमनाई, तो इसमें देखो यार फर्स्ट है हमारे बी रवि पिल्लई, ये यार पद्मश्री इनको अवार्ड मिला था और ये एक बिलियनियर बिजनेसमैन है, ठीक है। आपने आरपी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना होगा, उसके फाउंडर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, और ये रिचेस्ट पर्सन है, इनको बोला जाता है केरला का रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, और ये 1000 बिलियनियर्स में से आते हैं फोर्ब्स की लिस्ट में, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सही है। उसके बाद है आपका विनोय विश्वम, ये क्या है, तो राज्यसभा मेंबर है कम्युनिस्ट पार्टी से। और आपका रोशन मैथ्यू एक्टर है मलयालम फिल्म में, और आपकी प्रतिभा हैरी जो है वो आपके इंडियन पॉलिटिशियन, और बहुत सारे थे, ठीक है, तो उतना मेंशन करना जरूरी नहीं, ठीक है, आप देख लेना। नेक्स्ट है आपका फेस्ट की अगर हम बात करें, तो ये फेस्ट आपका एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट होता है। तो फेस्ट की बात अगर देखो यार, जैसे फेस्ट होते हैं छोटे फेस्ट होते हैं बट ठीक ठाक होते हैं, तो ये जो है आपका इनका ये टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, ठीक है। और आपका विपंचिका जो है वो क्या है आपका, इट इज़ ए एनुअल कॉलेज फेस्ट, ठीक है, कंडक्टेड बाय SOE एंड हैज़ अ सीरीज ऑफ फाइन आर्ट सोशियो कल्चर, मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फाइन आर्ट्स हो गया आपका, सोशियो कल्चर हो गया, लिटरेरी इवेंट अलॉन्ग विथ वैरायटी ऑफ वर्कशॉप एग्जीबिशन इन्फॉर्मिंग इवेंट, ठीक है, बहुत कुछ आपको एक्सपोजर यहाँ पे मिल सकता है। और एक स्प्लेंडर जो है आपका, ये आपका क्या है, तो इज अ अटेम्प्ट टू चैलेंज न्यू पॉसिबिलिटीज, ठीक है, इंस्पायर इनोवेशंस एंड प्लेटफॉर्म टू शो योर टेक्निकल टैलेंट स्किल। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप जा सकते हो, इसमें आपको एक्सपोजर मिलेगा उन सबसे रिलेटेड, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये हो गया हमारा फेस्ट का। नेक्स्ट हम अगर बात करें मोड ऑफ एडमिशन, तो मोड ऑफ एडमिशन कैसे होता है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्यूसेट कैट का एग्जाम देना होता है, ठीक है। इसका एग्जाम जनरली अप्रैल मई में होती थी, बट इस बार तो बहुत चेंजेस हो गए कोरोना को लेके। तो सेकंड है आपका कि ऑल्सो नीड टू सिक्योर, हाँ ये भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 50% मार्क्स जो है आपका इसके एग्जाम के मैथमेटिक्स में आना चाहिए, और 50% आपके क्लास 12th बोर्ड के एग्जाम में मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तीनों में एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद है आपका एडमिशन आर डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक इन क्यूसेट कैट, और काउंसलिंग आपको ये जो होता है इनका सेपरेट काउंसलिंग होता है, क्यूसेट का ही काउंसलिंग होता है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। उसके बाद है कि कोरोना को लेकर यार इस बार की एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया है, तो इस बार का जो एडमिशन प्रोसेस होगा, आई मीन जो हो चुका है,
18 अगस्त तक ही डेट था। तो एडमिशन प्रोसेस जो था आपका वो 12 मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो कैंडिडेट को क्या करना था आपका, सबमिट देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल एट लेटेस्ट बाय 18 अगस्त, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि अगर आपने एडमिशन लेने का सोचा है तो ये रिव्यू आपको मदद कर सकती है। अगर मान लो आपके पास जो भी ऑप्शंस है तो वो सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट वो होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने टाइम पे क्या क्या गलतियां करी थी, वो भी नहीं करनी है आपको। तो एग्जाम पैटर्न जो होता है आपका वो क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो जनरली पिछले ईयर्स में होता था, इस बार तो कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, 3 घंटे का आपका होता था, ठीक है, जिसमें कि 250 क्वेश्चंस जो होते थे आपके वो पीसीएम से आते थे, जिसमें भी कि 150 क्वेश्चन मैथ्स का होता था, ठीक है, उसके बाद 75 क्वेश्चन आपका फिजिक्स का एंड 50 क्वेश्चन जो होता है वो आपका केमिस्ट्री का होता था, 250 क्वेश्चन, ठीक है। हर सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाता है और हर गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम आपका थोड़ा सा एडवांस टाइप का ही हो गया, बट हाँ यहाँ पे देखो एक चीज, मेरे इतने अच्छे रैंक क्यों आए थे, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे जेई मेन्स एंड जेई एडवांस का जो पीवाई की होता है क्वेश्चन बैंक वो मैंने बहुत बार बनाया था, तो मुझे लिटरली बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ही याद थे। जब इसका एग्जाम देने गए तो मुझे बहुत सारे आईआईटी के प्रीवियस मतलब पुराने जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे वो सारा मुझे ऊपर से नीचे तक दिख रहा था, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आंसर ही याद थे, तो मैंने जस्ट टिक करते चला गया और उसके बाद मेरा अच्छा रैंक आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं क्योंकि टाइम, आप खुद जज कर देखो, टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, मतलब क्या है कि क्वेश्चंस इजी होंगे कंपैरेटिवली। सेम चीज आपका वीआईटी में भी होता है, वीआईटी में क्या होता है आपका वो बस एनालिटिकल आपके वो कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आपका थोड़ा और स्पीड आपका चेक करते हैं, ठीक है, उसी तरह से ये भी है। नेक्स्ट है आपका कि क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो देखो यहाँ पे एकदम से किसी कॉलेज के बारे में हमें बोल देना कि आप इसमें मत जाओ या फिर आप इसी में जाओ वो सही नहीं होगा, हर पहलू को देखना होता है। तो अगर मान लो कि आपके पास ये ऑप्शन है, आपको कोई लोअर एनआईटी मिल रही है, आपको कोई ट्रिपल आईटी मिल रही है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी स्टेट फंडेड कॉलेज हो जो कि आपको पता है कि थोड़ा बहुत इसके ठीक ही है, तो आपको उस केस में इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन केस कि आपको किसी, आपके साथ ऐसा सिचुएशन है कि आपको किसी प्राइवेट कॉलेज में, लोअर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है, मैं बिट पिलानी वीआईटी की बात नहीं कर रहा, आपको किसी लोअर प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ रहा है, तो उस केस में आप इस कॉलेज को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी कॉलेज कौन सी होती है जो आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर दे, ठीक है, आपको अच्छी प्लेसमेंट दे दे, या फिर जो भी हो आपको एक्सपोजर अच्छा मिलता है कि आप लाइफ में कुछ ना कुछ कर लो, ठीक है, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ पे मिलेगा, आपको एक अच्छी एनवायरमेंट मिलेगी इस कॉलेज में और प्लेसमेंट भी ठीक ठाक हो जाती है, सीएस एंड सेफ्टी एंड फायर वाले बच्चों का प्लेसमेंट हो जाती है, 90% प्लेसमेंट हो जाती है, ठीक है। तो अब लास्ट पॉइंट है कि मैं अपनी गलतियां आपको बताऊं, ठीक है, देखो मेरे टाइम में क्या हुआ था, मैं सारे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो जोसा काउंसलिंग पार्टिसिपेट किया था, क्यूसेट में भी किया था, डब्ल्यूबीजेई में भी किया था, वीआईटी का मैंने नहीं किया, ठीक है, मुझे पता था कि मुझे उसे जाना ही नहीं है, क्यों पैसे वेस्ट करना उसके लिए। तो मेरा इस क्यूसेट का जो अलॉटमेंट रिजल्ट था वो सबसे पहले आ गया, ठीक है, और एनआईटी पटना में मेरा उस टाइम पे एडमिशन हो चुका था, नहीं एडमिशन नहीं हुआ था, मुझे मिला था वो सिविल इंजीनियरिंग मिला था एनआईटी पटना, और इसमें मुझे कंप्यूटर साइंस मिला था फर्स्ट राउंड में। तो हुआ क्या कि उससे मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी नहीं मिला था, ठीक है, तो हुआ क्या कि अब इसमें पैसे पे करने थे 48,000, तो हमने कहा ठीक है अभी पे करना है तो कर देते हैं, फिर तो वापस आ ही जाएगा जब एडमिशन कैंसिल करवा लेंगे, तो हमने पे कर दिया उस टाइम पे। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद मुझे जादवपुर में आर्किटेक्चर अलॉट हो गया, ठीक है, तो अब सवाल ये है कि वहाँ पे अब एडमिशन कैंसिल कैसे करवाया जाए, तो हमने इसकी वेबसाइट पे देखा तो मुझे ये मिला कि हमें जाके वहाँ पे कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सीन ये है कि जादवपुर में मेरा एडमिशन लेना है और उसी के 3 दिन बाद मुझे केरला पहुंचना है, ठीक है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए बट जैसे तैसे हम लोग पहुंच गए वहां पे, ठीक है, वहां पे जाके हमने एडमिशन कैंसिल करवाया। तो वहां जाके पता चला कि अगर हम लोग नहीं भी जाते तो भी हम ऑनलाइन एडमिशन कैंसिल करवा सकते थे, हमारे पैसे रिफंड हो जाते, ठीक है। तो ये एक बड़ी मेजर मिस्टेक थी कि हमें जाना नहीं चाहिए था, काफ़ी परेशानी हुई थी यार जाने में, बहुत दिक्कत हुई थी, आप समझ नहीं सकते, बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद फिर उन्होंने रिफंड कितने महीनों में किया, तो वो रिफंड आया मेरा लगभग 5 महीने बाद, ठीक है, 5 मंथ्स, जिसमें कि 1,000 रुपीज़ उन्होंने काट लिया और फिर 47,700 हमने पे, नहीं 48,700 पे करा था हमने, जिसमें कि 47,700 मेरे अकाउंट पे वापस आ गया।
तो वही है कि अगर आप मान लो इनकेस आपको भी एडमिशन कैंसिल करवाना हो तो वो चीज़ आपको ऑनलाइन भी हो जाता है, आप वहाँ पे बात करना कॉल करके, मेल करना उनको, ठीक है, और फिर जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने सारे पहलू डिस्कस किए हैं कि प्लेसमेंट कैसा रहा है इसका, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपको फ्यूचर में आपको कितना स्कोप मिल सकता है इस कॉलेज से निकलने के बाद, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए गुड डे। और चैनल पे नए हो यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर देना। चलो टाटा।